नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पाकिस्तान की नाक में नकेल डालने वाला अगर कोई प्रधानमंत्री है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले पाकिस्तान लगातार दुस्साहस करने की कोशिश करता था, लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं होती। इसका कारण है हमारे प्रधानमंत्री। उन्होंने दो बार में ही पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। उन्होंने कहा कि हम जनता से सशक्त प्रधानमंत्री के लिए मोदी जी को चुनने की अपील कर रहे हैं। भाई, हम लोगों को बोल रहे हैं कि भाई कैसे मजबूत प्रधानमंत्री मिले हैं। पहले बात बात में पाकिस्तान गिदड़ भप्पी दिखाता था भारत को, लेकिन मोदी जी जैसे स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री मिले हैं तो दो ही बार के एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उसको अपना औकात पता चल गया है। तो मजबूत मतलब सरकार और मजबूत प्रधानमंत्री बनाने से फायदा होता है, हम जनता को बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब मुद्दा विहीन हो चुकी है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए वो देशवासियों से पाकिस्तान का भय दिखाकर वोट मांगने में लगी है। शुक्ला ने कहा कि जनता चाहती है कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी पर बात करें, महंगाई पर बात करें, किसानों पर बात करें, लेकिन इतना साहस इनमें बचा नहीं है। दरअसल इनके पास अब कोई मुद्दे बचे नहीं हैं। तीन चरण के बाद में यह स्पष्ट हो गया कि मोदी जी की विदाई जनता ने सुनिश्चित कर दी है। अब भारतीय जनता पार्टी मीट मछन मछली मंगलसूत्र से लेकर राष्ट्रवाद तक पहुंच गई है। अरे, पाकिस्तान का भय हिंदुस्तान को मत दिखाओ। सन 1977 में ही कांग्रेस पार्टी ने, माननीय इंदिरा गांधी जी की सरकार ने, पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिया था। तो इस देश को पाकिस्तान का भय दिखा के वोट लेने की जो आपकी फितरत है अब नहीं चलने वाली। अब आप महंगाई पे बात करिए, आप बेरोजगारी पे बात करिए, आप किसानों पे बात करिए, आप शिक्षा पे बात करिए, रोटी कपड़ा मकान पे बात करिए, इस पे बात करने का भारतीय जनता पार्टी के पास साहस नहीं है। जनता में कभी धर्म का भय दिखाते हैं, कभी राष्ट्रवाद का भय दिखाते हैं, लेकिन जनता इनकी फितरत को समझ चुकी है। केंद्रीय खनिज सचिव VL कांताराव की अध्यक्षता में नवा रायपुर में प्रदेश के खनन गतिविधियों की समीक्षा बैठक की गई। इस मौके पर केंद्रीय खनिज सचिव ने राज्य के औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों से चर्चा की और उनकी समस्याओं से भी अवगत हुए। केंद्रीय खनिज सचिव ने निर्देशित किया कि जो खदानें बंद हो चुकी हैं उनमें अवैध उत्खनन न हो, और यदि बंद खदानों में खनिज की उपलब्धता है तो जरूरी प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। 7 स्टार म्यूजिकल ग्रुप द्वारा प्रख्यात गायक मन्नाडे के जन्मदिन के अवसर पर यादें मन्नाडे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि गायक मन्नाडे का जन्मदिन यूं तो 1 मई को था, लेकिन चुनाव को देखते हुए ये आयोजन 12 मई को किया गया, जिसमें राज्य भर से मन्नाडे और उनके द्वारा गाए गीतों के प्रेमी बड़ी संख्या में पहुंचे। बिलासपुर में हुए इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा 7 स्टार म्यूजिकल ग्रुप के संचालक राकेश रोशन साहा ने तैयार की। बचपन से गाने का शौकीन था और मैं तब से किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, मन्ना डे, लता मंगेशकर, बाल सुब्रमण्यम ऐसे महान कलाकार की यादों का प्रोग्राम को मैं किया हूं और आगे भी करता रहूंगा। यादें मन्नाडे कार्यक्रम में दूर दूर से पहुंचे कलाकारों ने मंच पर उन गीतों की प्रस्तुतियां दी जो आज भी लोगों को पसंद आते हैं। सेवन स्टार म्यूजिकल ग्रुप के संचालक राकेश रोशन साहा विगत कई दिनों से सुरों के सरताज रहे महान गायकों की स्मृति में संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। इस कार्यक्रम में उन्होंने भी गीत गाकर शमा बांध दिया। Thank you.
छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलियों से बातचीत का रास्ता हमेशा खुला है, लेकिन तब तक अभियान जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद नक्सलियों में भय का वातावरण है, इसीलिए आत्मसमर्पण और गिरफ्तारियों में तेजी देखी जा रही है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि नक्सली उन्मूलन को लेकर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, साथ ही इस अभियान को लेकर पड़ोसी राज्यों से भी संवाद स्थापित किए जा रहे हैं। बातचीत का रास्ता बिल्कुल खुला है, वही पहला रास्ता है, वही सरकार की मंशा है। बातचीत के माध्यम से ही सरकार इसको समाप्त करना चाहती है। बातचीत के माध्यम से ही सरकार बस्तर के गाँव के विकास का मार्ग प्रशस्त करना चाहती है। गिरफ्तारियां तो कुल मिलाकर 350 हो गई हैं और आत्मसमर्पण भी 250 से अधिक हो गए हैं। ये कुल मिलाकर जो सिनेरियो बना है बस्तर में, ये बहुत बड़ी संख्या जो मारे गए हैं वो 100 से ऊपर हैं, जिन्होंने आत्मसमर्पण किया वो 250 से ऊपर हैं, जिनको गिरफ्तार किया हुआ है वो 350 से ऊपर हैं, ऐसे कुल मिलाकर। और ये पूरे क्षेत्रों में है, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, सभी क्षेत्रों में। तो ये समग्रता के साथ ये काम हो रहा है। पड़ोस के राज्यों से भी इस पर बातचीत हुई है, तो वहाँ पर भी मुस्तैदी है। रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर ने आज रायपुर प्रेस क्लब द्वारा पत्रकारों को प्रदत्त आवासीय कॉलोनी में नवनिर्मित गार्ड रूम का उद्घाटन किया। बता दें कि मीडिया कर्मी आवासीय परिसर सोन डोंगरी में समिति द्वारा ली जाने वाली मेंटेनेंस राशि का सदुपयोग करते हुए इस गार्ड रूम का निर्माण कराया गया है, ताकि रहवासियों को सुरक्षा प्रदान करने वाले सुरक्षा कर्मियों को मौसम की मार से सुरक्षित रखा जा सके। इस दौरान प्रेस क्लब अध्यक्ष ने समिति के कार्यों की प्रशंसा करते हुए हमेशा हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। छत्तीसगढ़ी फिल्मों का भविष्य उज्जवल है, ऐसा मानते हुए लगातार छत्तीसगढ़ी फिल्मों का निर्माण किया जा रहा है। अमूमन हर हफ्ते एक न एक छत्तीसगढ़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं, जब रिलीज हो रही हैं तो बन भी रही हैं। इसी कड़ी में एक और छत्तीसगढ़ी फिल्म का निर्माण बहुत जल्द प्रारंभ होने वाला है, जिसका नाम है ढाई अक्षर प्रीत के। इस फिल्म के कलाकारों के लिए चयन की प्रक्रिया प्रारंभ है। फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने फिल्म में नए कलाकारों को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से बिलासपुर में ऑडिशन रखा, जिसमें बड़ी संख्या में कलाकार पहुँचे और अपनी कला का प्रदर्शन किया। आज बिलासपुर में हमारे यहाँ ढाई अक्षर प्रीत के ऑडिशन चलत है और अब्बड़ मजा आई। मोला हमन बैठे हैं मेरे काफ़ी अच्छा अच्छा उमदा कलाकार आए रही नहीं हला और दिग्गज कलाकार मन आई ऑडिशन, तो बहुत अच्छा चली से। बाकी आप मन तो देखबे करी हो पिक्चर में जोन चली। ढाई अक्षर प्रीत के फिल्म से जुड़े सदस्यों ने बताया कि ऑडिशन और फिल्म निर्माण को लेकर कलाकारों में उत्साह देखने को मिला, वे बड़ी संख्या में यहाँ ऑडिशन देने पहुँचे थे। लव स्टोरी फिल्म तो हमारे छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में बनते रहते, तो हमन एक अलग टाइप के लव स्टोरी प्रस्तुत करे के हमन के प्रयास है हमारे टीम के, और वहाँ आज वही परिप्रेक्ष्य में हम आज ऑडिशन रखे रहें। और बिलासपुर जिला के अलावा अन्य जिला से भी बहुत सारा कलाकार साथी बन, महिला पुरुष सब जन आ रहे हैं और सब लगभग 100 जन के ऊपर आज कलाकार मन आए हैं और ऑडिशन दे हैं। और सब में कहीं ना कहीं कला है, कोई अच्छा कलाकार है तो कोई सिकती कलाकार है, लेकिन कलाकार तो है। तो जब जेकर जिसे हुई अभिनय क्षमता ओकर अकॉर्डिंग हम सबला हम प्रयास करबो कि हमर फिल्म में काम दे सके। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS न्यूज 24। अब हमें इजाजत दीजिए, कल तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।